ये बहुत ही मज़े का बना है, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। वेलकम टू माई चैनल व्यूअर, कुकिंग विद शकीला किचन में आप सबका वेलकम। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। सर्दियों की सुगात, बहुत ही मज़े का ये गाजर का हलवा बनता है, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। चले हैं रेसिपी को शुरू करते हैं। ये मेरे पास 2 किलो गाजर है, इसको मैंने अच्छी तरह धो के तो इसको मैंने कद्दूकस कर लिया। ये मेरे पास 2 से 3 टेबलस्पून पिस्ता है, बारीक बारीक कटा हुआ है। तो ये मेरे पास 2 टेबलस्पून काजू है, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया मोटा मोटा। ये मेरे पास 25 से 30 बादाम है, ये मैंने गर्म पानी में भिगो के इसको इसका ऊपर से सारा छिलका उतार लिया। ये मेरे पास 2 से 3 टेबलस्पून खुश्क दूध है, मैं दूध नेड़ो का लेती हूँ, आप कोई भी अच्छी ब्रांड का ले सकते हैं। ये मेरे पास 2 कप चीनी है और ये मेरे पास 1/2 किलो खोया है। चले इसको पकाना शुरू करते हैं। चले मैंने एक बर्तन ले लिया है, तो अब मैंने चूल्हा नीचे ऑन कर लिया, ये सारी गाजर इसमें डाल देंगे। चले सारी मैंने पूरी गाजरें डाल ली इसमें, तो चूल्हा मैंने नीचे से मीडियम रखा हुआ है, तो अब ये सारी चीनी साथ ही में डाल दूंगी। चले इसको मैं सारा अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। चले ये सारी चीनी मैंने अच्छी तरह मिक्स कर ली है, अब इसके ऊपर मैं ढक्कन देके तो इसे 10 मिनट तक पकाऊंगी मीडियम आंच पे, तो ताकि इसका पानी जो है वो सारा अच्छी तरह, जो चीनी ने पानी छोड़ना है वो छोड़ देगी। तो 10 मिनट बाद मैं आगे आपको दिखाती हूँ। चले ये 10 मिनट हो गए, इसका ढक्कन उठाएंगे। देखिए जितना पानी चीनी ने छोड़ना था पानी चीनी ने छोड़ दिया, अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी और साथ ही ये जो मेरे पास खुश्क दूध है ये मैं डाल दूँगी। चले इसे अच्छी तरह मैं मिक्स कर लेती हूँ और साथ ही ये मैं इलायची पाउडर डाल दूँगी, इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चले ये सारा मैंने दूध अंदर जो डाला था वो मैंने अच्छी तरह उसको मिक्स कर लिया, तो अब इसको मैं ढक्कन दे के तो तब तक पकाऊंगी जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। चले मैं इसको इसका पानी खुश्क करके आपको दिखाती हूँ। साथ ही आपने बीच बीच में से इसका पानी चेक करते रहना है ताकि ये नीचे लग ना जाए, तो आपने बिल्कुल ऐसे स्लो स्लो चम्मच हिला के तो इसको चलाना चम्मच को, ताकि गाजरें जो हमारी घुल ना जाए अंदर। तो इसको मैं पानी खुश्क कर लूँ फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। चलिए पानी हमारा अच्छी तरह खुश्क हो गया, तो देखिए अब ये मेरे पास 3 से 4 टेबलस्पून घी है, ये मैंने वनस्पति घी लिया है, आप अगर घर का लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। तो अब इसको मैं डाल के, ये 1/4 कप बनता है, तो इसकी मैं अच्छी तरह बुनाई कर लेती हूँ 5 से 6 मिनट तक। चलिए थोड़े से मैं इसमें पिस्ते डाल दूँगी, थोड़े से ये बादाम डालूँगी, थोड़े थोड़े मैंने बचा लिए हैं गार्निश के लिए, और इसमें मैं 1/2 काजू डाल दूँगी। साथ ही इनकी भी मैं अच्छी तरह बुनाई कर लेती हूँ। चले ये मुझे 5 मिनट हो गए, तो अभी मैं इसकी 1 से 2 मिनट तक और बुनाई करूँगी फिर मैं आगे दिखाती हूँ। चले ये मुझे 2 मिनट और हो गए, हलवा हमारा अच्छी तरह बुन गया। अब ये मेरे पास जो खोया है ये मैं इसमें डाल दूँगी, थोड़ा सा मैं इसमें बचा लूँगी, अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चले मैंने खोया अच्छी तरह मिक्स कर लिया, हलवा हमारा तैयार है, नीचे से चूल्हा बंद करेंगे,
चलो इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। चलिए अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये बहुत ही मज़े का बना है, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। चले हलवा मैंने पूरा निकाल लिया। चले ये जो मैंने खोया रखा हुआ था ये सारा डाल देंगे। ये बहुत ही मज़े का बना है, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।